नमस्कार दोस्तों एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है जैसा कि आप जानते हैं इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके यूजली जब आप एवरेजिंग वर्ड सुनते हैं आपके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट आता है बेसिकली बहुत सारे वैल्यूज का एवरेज राइट वेल एवरेजिंग स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी ही है स्टॉक मार्केट में एवरेजिंग का मतलब होता है कि आप ट्रेडिंग का बंडल ले रहे हैं ये सभी मार्केट की ट्रेडिंगिटी यानी कि अस्थिरता को मैनेज करने के लिए वर्क करती हैं ऐसा करने के लिए उनका फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है शेयर प्राइसिस का घटना या बढ़ना फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एमर्जिंग बुल मार्केट देखें उसमें एक न्यूली एक्वायर्ड यूनिट का प्राइस एवरेजिंग से कम हो जाता है इस केस में आपकी होल्डिंग में इंक्रीमेंटल इंक्रीज होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स फंडामेंटल्स में हम कंसिस्टेंट रेवेन्यूज और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जैसे पैरामीटर्स गिनते हैं दूसरी तरफ अगर मार्केट गिर रही है तो एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज की जाती है ताकि हमारा लॉस कम हो सके और जो यूनिट्स परचेस किए हैं उनका रेवेन्यू बढ़ा सके द पॉइंट इज सिंपल एवरेजिंग सिर्फ लूजिंग ट्रेड तक लिमिटेड नहीं आप कुछ शेयर्स खरीदने के बाद कुछ और शेयर्स खरीदते हैं जिससे आपके टोटल शेयर्स का एवरेज प्राइस में डिफरेंस आ जाता है चलिए अब बात करते हैं अलग अलग तरीकों की जिनसे आप अपने स्टॉक एवरेज कर सकते हैं पहली टेक्निक का नाम है खरीदने से आपके सभी शेयर्स की एवरेज वैल्यू कम हो जाती है एंड इन फैक्ट आपका ब्रेक इवन पॉइंट भी एज अ रिजल्ट कम हो जाता है इसके पीछे का प्रिंसिपल यह है कि अगर आपने आज स्टॉक खरीदे और कल उनका प्राइस कम हो गया तो बजाय इस बात पर दुखी होने के आप एवरेजिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके अपने लॉस का इम्पैक्ट घटा सकते हैं और उसको बेटर डील बना सकते हैं जैसा कहा जाता है यानी कि स्टॉक प्राइसेस घटेंगे ए और बी दोनों, दोनों ही रुपीज वन टू फाइव जीरो का टारगेट लेकर चल रहे हैं अभी ए एक लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट कर देता है ऑन दी अदर हैंड बी स्टॉक की मूवमेंट्स को अच्छे से स्टडी और एनालाइज करता है और अपने एक लाख के इन्वेस्टिबल कैपिटल को इन्वेस्ट करने के बाद थोड़े समय में और इन्वेस्ट कर देता है इस एवरेजिंग स्टॉक का पे पहुंचने का वेट करना पड़ेगा जो कि उसका इनिशियल परचेज प्राइस था ताकि वो कम से कम ब्रेक इवन तक तो पहुंचे बट इवन देन देन बी दूसरी एवरेजिंग स्ट्रैटेजी का नाम है एवरेजिंग अप बुल मार्केट में एवरेजिंग अप अप्रैटेजी भी बहुत वाइडली यूज की जाती है इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके ट्रेडर्स नए यूनिट्स खरीदते हैं अगर वो कन्विंस हैं कि स्टॉक का ट्रेंड ग्रोथ पोटेंशियल इंडिकेट कर रहा है इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं लेट से देर इज ए हु हैज अ बुलिश व्यू ऑन अ स्टॉक वो उस स्टॉक के सौ शेयर खरीद लेता है एट रुपीज अगर कुछ दिनों में उस स्टॉक का प्राइस इनिशियल बाइंग प्राइस से बढ़ जाता है अब ए और भी अच्छे से कन्विंस हो गया है अबाउट द मूवमेंट ऑफ द स्टॉक तो वो जाके और शेयर्स खरीद लेता है पहुंच गया ऑन एन एवरेज टोटल शेयर्स का एवरेज प्राइस रुपीजन फाइव सेवन हो गया नाउलेट से बी वॉज इन दोजीशन एंड उसने एवरेज अप नहीं किया सो बी स्टिल हैज हंड्रेड शेयर्स जब ए अपनी पोजीशन एग्जिट करेगा उसका प्रॉफिट होगा रुपीज टू लाख फिफ्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड रुपीज लेकिन जब बी एक्ट करेगा तो अप अपी कैन हेल्प यू अर्न हायर प्रॉफिट एक और एवरेजिंग स्ट्रेटेजी है इट्स कॉल्ड पीरामेडिंग पीरामेडिंग बहुत ही एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होती है इसमें आप अपनी करेंट पोजिशन में चेंजेस करते रहते हैं डिपेंडिंग ऑन द शेयर प्राइस मूवमेंट इसे भी एवरेजिंग स्ट्रेटेजी माना जाता है क्योंकि हम फ्रेश पोजिशन लाकर बाय बाइंग मोर अपने shares का एवरेज प्राइस बदलते रहते हैं अगर आप हाई रिस्क सिचुएशन में रहना पसंद करते हैं देन दिस इज फॉर यू आप शेयर प्राइस मूवमेंट को कॉन्स्टेंटली रहेंगे चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट्स हो या मूविंग एवरेज ब्रेकआउट्स और पेनिट्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत तरीके के टेक्निकल एनालिसिस एंड हर मूवमेंट के बेसिस पे एक नई पोजिशन ले सकते हैं अगर आप ट्रेंड्स को स्टडी कर रहे हैं और उनका एनालिसिस करके सही ट्रेडिंग डिसीजन ले पा रहे हैं देन कंपाउंडिंग आपके लिए वर्क करेगी पिरामिडिंग विल वर्क इन योर फेवर लेकिन अगर ये प्राइस ट्रेंड रिवर्स हुआ तो ये बहुत जल्दी आपके लिए रेकलेस और आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन बन सकती है स्पेशली इफ यू टेक द हाइएस्ट और द लोएस्ट पोजिशन इन अ ट्रेंड फिर आपके लॉसेस कम करना मुश्किल भी हो सकता है ऐसे में एक्सट्रीम लॉसेस को रोकने के लिए एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है स्टैंडर्ड पिरामिड स्ट्रेटेजी के अंडर आप लार्जेस्ट पोजिशन पे बाय करेंगे मार्केट वॉलिटिलिटी आप in को आपके एडवांटेज पे यूज करने देती है हमारी राय यही रहेगी कि ये स्ट्रेटेजी सिर्फ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स यूज करें क्योंकि इसमें इन्वॉल्व रिस्क बहुत ज्यादा हो सकता है हम आपको बाकी एपिसोड्स में भी ट्रेडिंग के लिए टिप्स देते रहेंगे इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश